हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3 5G फ़ोन है, तो वीवो T3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में फ़ोन की रैम को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं और फ़ोन की रैम कैसे बढ़ा सकते हैं वीवो T3 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन की रैम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और फ़ोन की रैम कैसे बढ़ा सकते हैं वीवो T3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और रैम को इंक्रीज कैसे कर पाएंगे वीवो T3 5G फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि रैम को इंक्रीज कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन की रैम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको जाना है रैम एंड स्टोरेज पे। तो रैम एंड स्टोरेज पे सेटिंग से आ जाएगी, इसमें से रैम ऑप्शंस पे जाना है और कुछ इस तरीके से। और जब आप इसको ऑफ़ करना चाहें ऑफ़ कर सकते हैं, ऑफ़ करके रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, या फिर ऑन करना चाहें ऑन कर सकते हैं और ऑन करके रीस्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी फ़ोन की रैम है आपके फ़ोन में इंक्रीज हो जाएगी और फ़ोन की रैम है आपके फ़ोन में बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से रैम को इंक्रीज कर सकते हैं एक्सटेंड करके, और फ़ोन की रैम भी बढ़ा सकते हैं वीवो T3 5G फ़ोन में, और फ़ोन की रैम भी बढ़ा सकते हैं वीवो T3 फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। और रैम को इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर। अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं, बस आपको रैम ऑप्शंस सर्च कर लेना है। तो रैम ऑप्शन सेटिंग्स आ जाएगी, जिसमें ऑप्शन आपके फ़ोन में हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट ऑप्शंस पे क्लिक करना और क्लिक करके ऑप्शन देगा एक्सटेंडेड रैम, जिसको ऑन करके आप फ़ोन की रैम को बढ़ा सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं वीवो T3 5G फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।